अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वज़ीफ़ा वर्ल्ड चैनल। हम आपकी ख़िदमत में फिर से हाजिर हैं एक बहुत प्यारे वजीफ़े के साथ। देखिए, इंसान जब भी किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो यकीनन कोई भी इंसान हो वो ये नहीं चाहता, पहली बात तो इंसान यही नहीं चाहता कि वह परेशानी में मुब्तला हो, और अगर वो परेशानी में मुब्तला हो तो वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं इस परेशानी में लंबे टाइम तक मुब्तला रहूँ। वो चाहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस परेशानी से निजात मिले और मैं सुकून पा जाऊं, मैं आराम पा जाऊं, मतलब मैं मुश्किल से निकल के आसानी की तरफ चला जाऊं। देखिए, अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में इरशाद भी फरमाया है, इन्ना माल उसरी यूसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानियां भी हैं, यकीनन हैं। आज मैं आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो फरमान सुनाने वाला हूँ, वो वजीफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ बताने वाला हूँ कि जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद शरीफ में इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें कोई परेशानी लाहिक हो तो उस वक्त फ़ौरन ये पढ़ लिया करो 3 मरतबा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला उस परेशानी को दूर फरमा देगा और आपको उस परेशानी से निजात मिल जाएगी, आप उस मुश्किल से सुकून पा जाएंगे, आसानी की तरफ आ जाएंगे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखें आपने वो कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ आपने जो पढ़ना है वजीफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ वो ये है, अल्लाह स्क्रीन पर देखें, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही अहदन, ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही अहदन, ये 3 मरतबा पढ़ लें, फिर फौरन दुआ कर लें, अल्लाह तबारक व तआला फौरन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमें अल्लाह पाक की ज़ात पे कवी भरोसा उम्मीद है सबसे ज़्यादा कि वो फौरन हल फरमा देगा। उम्मीद है आपको वजीफ़ा अच्छा लगा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अमल की तौफीक दे और उसकी बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।